तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो बना हुआ है, ये फ्लोटिंग बोट हाउस। अच्छी बात लगी मुझे रोड यहाँ की, यार क्या जबरदस्त रोड है। मतलब पहाड़ों पे इतना अच्छा रोड मिल जाए तो अलग ही मजा है। हम 60 में स्पीड में स्कूटर चला रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हवा गई है, पंचर हुआ है, कुछ आइडिया नहीं है। बोला उसको फोन किया, बोला मैं नहीं हुआ है। हाँ, इंस्पेक्शन हो रहा है, पंचर हुआ है या नहीं, या फिर हवा कम हुई है। लुक एट दिस लैंडस्केप, ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन ओरियन कंट्री पे आ गए हैं ना। पूरा ब्राउन घास, इस तरह से सिंगल रोड, सामने लेक, चारों तरफ पहाड़ियाँ, और इसके अंदर इतना ब्लू कलर का वाटर दिख रहा है। स्टोन सुस्टोन सब मस्त लग रहा है, मतलब एक नंबर का पिकनिक स्पॉट लग रहा है यहाँ पर। चलिए आके देखते हैं और क्या सब सीन है। ये देखिए सारी गाड़ियाँ नीचे लगी हुई है, और इधर नीचे आने का रास्ता जो है उधर पीछे से जाएगा, उधर से घूम घूम कर आना है। लेकिन कितना वंडरफुल स्पॉट है यार, मतलब आप चाहे तो यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हो। हम लोग का प्लान था कि यहाँ पर कैंपिंग करते हैं, पर कल मेरी छुट्टी नहीं है तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है कैंपिंग करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कॉटेजेस भी हैं उस तरफ, जहाँ पर कि आप रेंट पे ले सकते हो, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, 3000-2000 से ऊपर ही है सारा कॉटेजेस का प्राइस। और टेहरी डैम जो है शायद वर्ल्ड का सबसे हाइट पे बना हुआ डैम है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं बताऊँगा आपको कंफर्म करके, बट इंडिया का तो सबसे हाइट पे बना हुआ डैम है ही। और ये डैम बहुत मुश्किल से बना है, और यहाँ के काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसे बचाने के लिए। लाइक उनका मोटिवेशन ये था कि नेचर का जो है पानी है उसके बहाव को रोकना नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये किया। और अभी ये टूरिस्टिक स्पॉट बन चुका है, और गंगा नदी का जो पानी है उसको इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे इसको भागीरथी नदी बोलते हैं। आपको पता होगा जब गंगा निकलती है गंगोत्री से तो उसका नाम गंगा नहीं होता, उसका नाम भागीरथी होता है। तो भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, और वहाँ से गंगा बनती है। तो ये देखिए,
जब इंजन बंद नहीं करते चलाइए। निखिल भाई पानी तक स्कूटी से ही जाएंगे जी। भाई साहब ने पार्क नहीं किया है और बोल रहे हैं कि हम पानी तक जाएंगे गाड़ी से ही। चलिए आ ही गए। बस उतार ही दीजिए अब उसके बाद एक पानी पे चला भी दीजिएगा, बोट की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस फाइनली हम लोग जगह पे पहुंच गए और हमने गाड़ी पार्क कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर दो स्पॉट है, एक यहाँ है वाटर स्पोर्ट्स का और एक उस तरफ है। और इसका कितना रेट है और यहाँ क्या क्या एक्टिविटी है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके रेट देख लेना। तो इनका टाइम है ये देखिए ग्रीष्मकालीन मतलब समर में 9 बजे से 7 बजे तक शाम तक, और विंटर में जो है 9 बजे से 5 बजे शाम तक है। और ये देखिए 8 तरह की एक्टिविटी अवेलेबल है, मोटर बोट स्पीड बोट इसमें 8 से 10 लोग जाते हैं, और ये 30 से 60 मिनट, 15 से 30 मिनट। और यहाँ पे रेट जो लिखा है वो ईच पर्सन लिखा हुआ है। ये जो नॉर्मल मोटर बोट है वो 300 रुपये और 500 रुपये। मेन बात पारा सेलिंग है जो कि पर फ्लाई 2500 है। उसके अलावा जिट्सकी, अटैक, बम्पर राइड, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी करने के लिए। सर स्पीड बोट में कितना बैठते हैं? सर 4 से 6 लोग। आप कितने लोग हैं? हम लोग 4 लोग हैं। स्पीड बोट 15 मिनट के लिए 500 पर पर्सन के साथ लिखा हुआ है। हाँ अगर आधे घंटे के लेंगे तो 1000 रुपये पर पर्सन है। 15 मिनट में आपको 4 से 5 किलोमीटर घुमाएगा और 30 मिनट में आपको 16 किलोमीटर की राइड होगी सर। 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना लगभग, जिसमें आपके सारे व्यू पॉइंट कवर होंगे। डोबरा चाटी इंडिया का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है वो दिखा के लाएंगे। फ्लोटिंग हाउस है नाइट स्टे के लिए बने हुए वो दिखा के लाएंगे। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये दिखा के लाएंगे। अच्छा बनाना राइड क्या है? सर ये बोट के पीछे टो होता है, बोट के पीछे टो होती है बनाना, एक ट्यूब जैसी होती है लंबी सी। तो गाइस हम भी जैकेट वैकेट पहन कर रेडी हैं और हमने बुक किया है स्पीड बोट जो कि 1000 पर पर्सन 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा स्पीड बोट का मज़ा होता है। और उन्होंने बोला कि 3 पॉइंट्स भी हम दिखाएंगे, तो देखते हैं वो है क्या तीन पॉइंट्स। भाई लोग ने बताया कि इधर जो जब बरसात होती है तो ये पानी का लेवल जो है आपको देख रहे हो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब ये सब डूबा रहता है। और इनका जो ये बोटिंग वाला एरिया ये शिफ्ट होके ऊपर तक जाता है। भाई साहब ये हमारी बोट है 6 सीटर बट इसमें हम लोग 4 लोग ही हैं, अभी 4 लोग ही बैठेंगे, हमने बाकी को आने से मना किया है। पकड़ने को कुछ स्पीड ब्रेक नहीं है, पानी से डर लगता है क्या? स्पीड ब्रेक थोड़ी आ रहा है। हमारी गति भी स्टार्ट हो चुकी है 16 किलोमीटर इन 30 मिनट्स विद 3 व्यू पॉइंट्स 3000 और सॉरी सीक्रेट बोल दिया मैंने, सीक्रेट होटल पर 4 पीपल 4000 यू मस्त हवा चल रहा है भाई, काफी अच्छी ठंड लग रही है यहां पे। फ्लोटिंग हाउस के पास वहाँ देख सकते हो वहाँ बना हुआ है मालदीव्स की तरह फ्लोटिंग होटल, हम लोग उसको नज़दीक से देखेंगे। और वहाँ पीछे था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में मालदीव जैसा अगर कुछ है तो इस जगह पर है, इसी लेक में है, टिहरी लेक में है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो बना हुआ है ये फ्लोटिंग बोट हाउस, इसका जो है वही 5000 से मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है बट ज़्यादा ही है 6000-7000 आप मान कर रखो पर नाइट का आपको लगेगा। और इसकी बुकिंग जो है आप ऑनलाइन कर सकते हो, मैंने भी एक माई ट्रिप में प्राइस चेक किया था और मैं उसी बेसिस पर आपको बता रहा हूँ अभी।
काफ़ी खूबसूरत है। मुझे लगता है ठंड के टाइम में काफ़ी यहाँ अच्छा लगता होगा, ज़्यादा बेटर लगता होगा। हालांकि क्योंकि गर्मी मुझे यहाँ पर भी लग रही है, जब बोट चलती है तभी अच्छा लगता है, अदरवाइज़ गर्मी लग रही है काफ़ी। ये कोबरा ब्रिज, यही तीन व्यू पॉइंट है। हम लोग ब्रिज के काफ़ी नज़दीक कर जा रहे हैं।